दुली, मुझे तो उधर ही दंदल पड़ने लगी थी, मैं तो हैरान ही हो गई, हो क्या गया? मैंने तो मम्मी जी आपको पहले बताया था, वो जो है ना अंकल भांजा, वो मजाक कर रहे हैं। भांजा नहीं थी, भांजी, जो कुछ मर्जी, लेकिन नानी से तो उन्होंने करा ली ना। हाँ जी, वाकई बैग बड़ा प्यारा मारा, किधर से लाई है? दुबई से खरीदा है। वैसे इतनी हया नहीं तुझे कि माँ के लिए भी कभी ऐसा लेके आया आरसी गुलाबी बैग? अच्छा चले, नेक्स्ट टाइम ले आऊंगी, सिर्फ 20 दिरहम का है। चाइना टाउन नहीं मार्केट चाइना की, वहां से खरीदा है। दुर्फड़े मुंह तेरा, ब्रांडेड चीजा ना ले आया कर, हैं फुफटी नहीं रही। आई नो, जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे तो कान ही लाल हो गए। ओए, गौर से तुमने चेक नहीं किया? क्या पता तुम्हारे किसी दुपट्टे का कलर लग गया हो। जी नहीं, कोई और भी ये बात सुनता ना तो उसका भी यही हाल होता। ओ अच्छा जी, खाला जान, नानी अम्मा ने शादी की है, तुमने बोल बोल के दिमाग मेरा खराब कर दिया, बस कर लो। मुझे तो पहले ही पता था ये दो शादियों वाला ही आज ही गलत है। सब ठीक हो जाएगा लैला, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन, डोंट वरी यार। क्या खाक सही होगा, आंटी पहले ही मुझसे इतनी नाराज है, और ये नानी, नानी को भी अभी शादी करनी थी। तुम इतना रो रही हो, सोचो बेचारी सिला का क्या हाल हो रहा होगा यार। सिला सिला सिला, क्या हो गया यार, पीस ऑफ क्राइंग। सिला, मेरी नानी। क्या नानी? नानी शादी कर ली। तुम्हारे रोने से शादी वापस तो नहीं हो जाएगी। नाना, उनको गुजरे हुए 22 साल हो चुके हैं। लेकिन वो मेरे नाना तो थे ना। लेकिन अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे तो उसे कैसे नहीं पता चलेगा? फिराज भाई, मुझे इतनी एंबैरेसमेंट हो रही है मिकाल की मदर के साथ। अरे शादी तुम्हारी हुई है जो तुम एंबैरेस हो रही हो। अगर मेरी बेटी की शादी पे ये सब कुछ होना था। Oh God, मैं मिकाल से बात करने जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ को संभालो। जी। अरे देखो, क्यों जब करूँ, आपको जरूरत क्या थी बताने की? मेरी शादी हो गई। अरे कभी ना कभी तो बताना था ना। मेरी शादी हो गई। मेरा ख्याल है तुम अपने बेवा होने पर इतना नहीं रोई होगी जितना अब रो चुकी हो। Come on, Bobby, have a glass of milk. नहीं ना, मैं की होएगा इन्हों पी के? ताकि तू वड़ा होके स्ट्रॉन्ग किड बने। छोटे होके इन्हें प्रॉब्लम्स होगे ने, मैं वड़ा नहीं होना। Bobby, जे तू नेगेटिव गलां की थी ना, ते मैं पुटे अंदर चपेट जाऊंगी। मम्मी जी, मैं की करूं, एनी मेरे नाल भाग ही नहीं रही। Because she doesn't know, उन्हें पता ही नहीं लग गया। उधर निकाह हो जाना तो भी उन्हें पता नहीं चलना। तो दूसरी तरफ मेरा दिल टोटे टोटे हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया। की करे मम्मी जी? मना की तसी, गाना नहीं गाना। इस गाने को सुन के अंदरों नर्गिस जैक्सन दे सिग्नल आने शुरू हो जाते ने। तो डिप्रेशन दे मारे मेरा पूरा नेटवर्क ही सड़ गया है। तू गेट मी? पापा, थिंक पॉजिटिव। एंड नानी वाला एपिसोड साडे वास्ते ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। है ना? लिसन, सारियां नु एक नवी टेंशन पै गई है। सारियां दा फोकस एनी तो हट के नैनी तो शिफ्ट हो गया है। एंड जदों फोकस शिफ्ट हो जाए ते नसना आसान हो जांदा है। पर ए गल एनी नु कौन समझाएगा? तैनू समझाई सी। एदी एक कॉपी एनी नु भी सेंड कर दीती है। मामी जी, किसी ने तारा ना पाड़ लिया तो सी फड़े जाओंगे। इंग्लैंड तो सेंड कराई है ब्लड, ना किसी होर दा ते कम साडा। मामी जी, कसम है गल दसा तानू, मैं तुसी बिल्कुल सनाना शक्ति कपूर लगदे हो मैनू। ओ सीरियसली मामा, चेक यू नो, सीरियसली मैं बिल्कुल ओए आले। हां सीरियसली। मिकाल के अम्मी ने कहा कि भाई ये आपके घर का इशू है, आप खुद ही सॉल्व करें, शादी को पोस्टपोन करने का कोई तुक नहीं है। थैंक गॉड। अंकल आप परेशान मत हो, और वैसे भी ये जो नानी वाला इशू है तो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, रबिया नहीं है घर पे। और वैसे भी अंकल, अब तो मैं भी घर का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तो जो भी मैटर होगा हम साथ मिलकर हैंडल कर लेंगे। थैंक यू बेटा,
सो नाइस ऑफ यू. अच्छा ये बात रबिया को नहीं पता चलने चाहिए, एंड मेक श्योर कि कोई भी रबिया के सामने ये बात ना करे. कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना बाबा. ओहो पता चल जाएगा, पहले एक दफा शादी तो आराम से गुजर जाए ना. ये बात तो नानी को सोचनी चाहिए थी ना. एक्सक्यूज मी. अस्सलाम वालेकुम नानी. सो गया नाइल जी? क्या अपने कमरे से भी चली जाओगी मुझे देखकर? नहीं मुझे कुछ काम है, आप बैठे. सिला मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि आई एम सॉरी कि तुम लोगों को इस तरह पता चला. नानी आपने जो करना था वो आपने कर लिया, अब आपको हमारे रिएक्शन पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए. सिला मैं कंप्लेन कर भी नहीं रही हूँ. नानी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें ये कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, स्पेशली मेरा ससुराल, मामा क्या फील करेंगी, उन पर क्या बीतेगी. एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी नानी. सिला कभी तुमने ये सोचा है कि जब बच्चे होते हैं जो कुछ भी वो करते हैं सोचते हैं कि बड़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और बड़े कर भी लेते हैं, लेकिन फिर वही बड़े जब कोई अपनी जायज ख्वाहिश या अपनी कोई मर्जी करते हैं तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि ये रिवायत नहीं है या फिर लोग क्या कहेंगे. वैसे आई एम वेरी सॉरी कि मुझे ये सब कुछ तुम लोगों से पहले शेयर कर लेना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ जो मैंने किया उसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी नहीं कहूंगी. देवी जी. जी ये आपके लिए आया है. मेरे लिए? हुँ? दिलवाले दुल्हनिया की डीवीडी ये किसने भेजी है? दिलवाले दुल्हनिया. अरे बीबी जी क्या बात है, क्लास की एक्टिंग की है इसमें तो शाहरुख खान ने. अरे काजल को सनी नीचा कहते कहते मुंह थक गया उनका, आखिरकार दुल्हनिया ले जाके छोड़ी उन्होंने. आप भाई प्लीज मैं खाना खा लूं. बड़े बड़े शहरों में छोटी बड़ी बातें तो होती रहती है ना. ले जाएंगे दिलवाले. ड्रेस तो दुबई का है. अकेले अकेले छुप कर बिरयानी खाई जा रही है. आप यहाँ क्या कह रहे हैं? इतनी मुश्किल से सबको बातों में लगा के आया, तो मिल ही नहीं रही थी. और ये क्या है? ओहो TDLJ, तो शादी से पहले रोमांटिक मूवीज देखी जा रही हैं. वेरी फनी. और आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, शादी से पहले वी आर नॉट सपोज्ड टू सी ईच अदर. अरे भाई अब जिस इंसान की होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो उसको देखे बगैर कैसे रहा जा सकता है. हाँ Is there any way कि आपके अंदर का ये जो चीप पाकिस्तानी हीरो है ये मर जाए? हाँ क्यों नहीं, अब शादी के 20-25 साल बाद खुद ही मर जाएगा. विकाल. अब जी आया. लो तुम्हारी सुनी गई. See you later. विकाल wait. Thank you. मामा वाकई बहुत परेशान थे कि न जाने तुम्हारे पेरेंट्स क्या डिसीजन लेंगे. Don't worry. मैंने भी सबको क्लियर कर दिया था कि अब जो चाहे हो जाए, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा. और हाँ मेहंदी में मेरे साथ डांस नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके बाय. अब जाओ ना. गो. हेलो. लेकिन पट्टी साहब अगर कोई आपकी पार्टी के दफ्तर पे हमला कर देता है तो आपने उसके पर फूल तो नहीं ना निछावर करने होते,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕੂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ, ਥੋੜਾ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। चाहे सब अगर घर की तरफ ना मेरा ध्यान होता तो इस वक्त असूलन मुझे इलेक्शन के लिए फैसलाबाद में होना चाहिए था। ओ इलेक्शन को भूल के कोई अपने पुत्र की शादी का भी ध्यान कर। और तुझे इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है कि पुत्र की शादी? बस कर दे प्लीज, बस कर दे। आप लोग तो बात करें ना, लड़ना क्यों शुरू हो जाते हैं? और मेरी फराज साहब से बात हो गई है, सब कुछ वैसे ही होगा जिस तरह तय था, बस किसी ने रबिया जी से बात नहीं करनी। वैसे चौहान साहब आप अपने अमान से सोचें, जितनी को रुकावटें इस शादी में आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि कुदरत हमें कोई इशारा कर रही है? और ये इशारे बाजियां अपने पास रख, समझी नहीं समझी? और कोई होश के नाखून ले। ओए एक कल्ला कल्ला पुत्र है तेरा, उसकी शादी की तरफ ध्यान दे। कल्ला कल्ला पुत्र है जिसकी बीवी ने मेरा जोड़ा जुत्ती की नोक पे रख दिया वह। ओहो मम्मी जी बस करे ना, छोड़े। क्यों छोड़ू, क्यों छोड़ू है? एक तो मेरे इलेक्शन के दिनों में शादी रख ली है, ऊपर से शादी का डबल रोल करवा रहे। बस मैं माइयों में चली गई थी ना, मेहंदी पे मैंने कोई नहीं जाना। क्या कहा है? क्या कहा? चली जाऊंगी मगर दिल से नहीं जाऊंगी, बस मैंने कह दिया। और अगर इलेक्शन में मैं हार गई ना चौधरी साहब, तो फिर आप देखना जरा। ओए इलेक्शन में तूने हार ही जाना है, मैंने भी वोट नहीं पाना तुझे। हाँ जी, जायदाद से लेकर तलाक तक तो आपने मलका रानी को दे दिया, एक वोट ही रह गया, वो भी दे देना। क्या कहा है? कुछ नहीं अंकल, छोड़े जान देना, ऐसी बोल दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। बात सुनी बेटा तूने उसकी? ओहो भाई, आपको पता तो है मम्मी जी का, आप ना आगे से बोला करें ना। ओए गलती पे तेरी माँ है, समझा दूँ मुझे रही है, है? उसको समझा दे, अगर वो मेहंदी पे जाएंगी, जाएंगी। और दिल से? जी जी दिल से जाएंगी। ठीक है, मैं मेहंदी पे जाऊंगी तो सही, पर मैंने डांस कोई नहीं करना। तो जी अगर मैंने ना मेहंदी में डांस किया तो फिर तुसी रेटिंग लेके बखाना। फिर तुसी अम्मी जी बहु छोड़े छोड़े ना, कोई बात नहीं भाई, अब दिमाग खराब कर दिया यार मेरा। कोई बात नहीं हुआ आंटी, कभी कभी बन जाती है नागन, कोई बात नहीं। नवीन मेरी मम्मी जी के बारे में आइंदा ये ना कहना। हे आसे, हाय, काफी अरसे बाद ऑफिस चक्कर लगाया तुमने। हाँ यार, बस पिछले दिनों यहाँ पे आ नहीं सका मैं। हैव अ सीट। ओ थैंक्स। चाय कॉफी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। एक्चुअली मुझे एक और बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, अपनी पहली वाली जॉब जैसी। चलो आई एम ग्लैड तुमने जॉब की रिप्लेसमेंट ढूंढ कर ही दूसरी जॉब रिजाइन की। यूसुफ मुझे तुमसे अपोलोजाइज भी करना था यार, मुझे लगता है मेरी अपनी हमाकत कह लो या कोई इनसिक्योरिटी थी जिसकी वजह से इट्स नॉट कंफर्टेबल हियर, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, बस आज़िर एक बात याद रखना, दैट यू हैव अ ग्रेट फैमिली, किसी भी डाउट या इनसिक्योरिटी की वजह से उनसे अपना रिलेशनशिप खराब मत करना। यू राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। So I guess this is it. Well, yep. एक छोटा सा फेवर चाहिए तुम्हारे से, अगर तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो तो। एनीथिंग। उफ, मार्केट घूम घूम के मेरे सर में दर्द हो गया। मिकाल की अम्मी इतनी चूजी हैं फूलों के मामले में कि कोई हद नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले कहा था। पर से वो इतनी स्वीट, मेरा तो इतना ख्याल रख रही थी। फॉर अ सेकंड आई थॉट कि मुझे कोई सीरियस इलनेस है, तो इतनी केयरिंग। है तो वो बहुत ही केयरिंग। हाँ भाई, लेकिन ज़्यादा चीनी बहुत बुरी लगती है चाय में, इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। ये बताओ क्या हुआ था कल, सब लोग खामोश क्यों हो गए थे उनको देख के, जब वो भांजी साहब ने क्या कहा था उन्होंने? अम्मी आए ना बैठे, जरा कल का प्लान बनाते। वो मैं तो आरफा को ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने उससे बात करनी है, तो मेरे पास भी बैठ जाए, अब आरफा ही ज़्यादा सगी होगी, बैठ जाए ना। मैं ये कह रही थी कि क्या बात थी, क्यों सब चुप कर गए, क्या कहा था भांजी साहब? वो हाँ हाँ, वो सब अचानक उनको देखकर हैरान रह गए थे इस वजह से। कोई पहली दफा देखा था जो हैरान ही रह गए थे। मैं ये सोच रही हूँ कि वो आ ही गए हैं तो क्यों ना उन्हें मेहंदी पर इनवाइट कर लिया जाए। नहीं नहीं मम्मी, खुदा के लिए कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, बस करते हैं उसका पीछा, जान छोड़ दे उस आदमी की।
गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो कर ले इनवाइट। हाँ कर ले इनवाइट। अम्मी से क्यों पूछ रहे हो? मैं जो कह रही हूँ ये कह रही हूँ। अम्मी खबरदार जो आपने उस आदमी को अकेले में डराया, तो बस ये गलती होगी उसे माफ कर दें। वही मैंने आरफा को नहीं बताया 3 बजे की अपॉइंटमेंट है कल पार्लर की। मैं क्या करूं? जिस चीज का डर था मुझे वही हुआ। मुझे मामा को बता देना चाहिए। नहीं लेकिन मामा तो से बात करूं, लेकिन मैं मिकाल से क्या कहूंगी? गॉड, मैं किससे बात करूं? तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो सलमान आंटी को? कोई फायदा नहीं उनको समझाने का। इतनी बार कोशिश कर ली हमने मगर पता नहीं क्यों आजकल वो सीरियस सी हो गई थोड़ी। जानू मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिद हमारी खानदानी खून में है। चढ़कर बैठ गई ना तो निकल जाएगा सारा खून तुम्हारी फैमिली से। लड्डू क्या हुआ है यार? नो गाइस, ये मजाक की बात नहीं है। तो मेरे मामा को अभी तक इस बात के बारे में बताया नहीं है। और साइमा आंटी, अगर वो मेहंदी पर आ गई उनका मूड ऑफ हुआ तो? ओए इसलिए बेहतर है कि वो मेहंदी पर बिल्कुल ना आए। हालांकि बिल्कुल सही फैसला है। मुश्ताक लड्डू मजाक कर रहा था, ऑफ कोर्स उनको आना चाहिए। नहीं यार सीरियसली, आज विकी को देखा तो इतना डिजेक्टेड लग रहा था, चेहरे का मुंह भी उतरा हुआ था। पता नहीं क्या सोच रहा आजकल। अच्छा आप उसको बोलना देना कि मैंने बोला है। ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर है तुम्हारा। ये तो तुम्हारी पोस्ट अभी तक खाली थी। एंड यू सब वांटेड टू फिल इट अप, तो मैं तो दूसरी जॉब ज्वाइन कर ही रहा हूँ। आई थॉट तुम भी ज्वाइन कर लो एंड यू शुड कैरी इट ऑन। लेकिन बात वैकेंसी की नहीं है आज़र। आई नो सिला, मुझे पता है। बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और सैक्रिफाइस करने की है, जो सिर्फ तुमने किया है। आज़र मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। मुझे पता है वो तो तुम पहले भी नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली सिचुएशन कुछ अजीब सी हो गई थी। आई थिंक मेरी मेल ईगो जो है वो बाहर आ गई थी समहाउ। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हम लोग एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और तुम्हारा स्टेटस हाई है। पता नहीं कुछ अजीब सा एक्ट कर रहा था मैं। बट ऑनेस्टली ना मैं ऐसा था ना ही ऐसा बनना चाहता हूँ। था का तो मुझे यकीन है, वरना तुमसे शादी नहीं करती। अच्छा फ्यूचर की मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ। फिर तुम बोलोगे कि मैं नाइल को इग्नोर कर रही हूँ। नहीं बोलूंगा ना यार, मुझे पता है कोई भी माँ अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो तुम पहले नहीं जानते थे? यार बस पता नहीं क्या हो गया था दिमाग को। चल लिसन, आई एम रियली सॉरी, ऑनेस्टली सॉरी। जॉब कब ज्वाइन कर रहे हो? नेक्स्ट वीक, दोनों एक साथ करेंगे। लेकिन पहले ये 2 शादियाँ भुगता ली। यू हैप्पी? अच्छा लिख डूंगी ग्राउंड वाली वैगनों के 2000 जी। तो ध्यान किधर है तेरा? जी आप बोले क्या? अभी ब्याह होया नहीं तेरा, अभी से तू तो गवाची गा की तरह घूम गया। बाद में मेरा कोई बिजनेस ना बैठा दे। अच्छा मम्मी जी। ये तो ये डोली पता नहीं किधर रह गई। डोली नहीं डोली, चाय बनाने भेजा था, पावे बनाने नहीं भेजा था। बदतमीज, खद्दर की कमीज ना हो गई। अच्छा लिख इधर नुक्ता तो डाल लिया कर कभी। लेला आप
मुझसे नाराज थी ना, तो मैंने सोचा कि चाय बना के पिला दूं। वो तो मैं तो आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अपसेट हैं कि मैं आपका जोड़ा क्यों नहीं पहन रही, लेकिन आंटी हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं अपनी शादी को लेकर, दैट शी वांट्स टू लुक अ सर्टेन वे। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मैंने भी कुछ सोचा हुआ था, एंड अनफॉर्चुनेटली आपका जोड़ा वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। लेकिन आंटी, मैं नहीं चाहती कि आप हमारी शादी में वैसे पार्टिसिपेट ना करें जैसा करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपका ही जोड़ा पहन लूंगी, आखिर लड़कियां अपनी माओ के सामने तो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती हैं ना। मैं आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना चाहती हूँ। हाय लैला, पास कर दे, तेरी तकरीर ने तो सहमा चौधरी को टा दिया। मैं सबके जाऊँ? मम्मी जी हौसला रखिए, तू फिक्र ना कर, तू भावे स्पाइडरमैन बन के आ जा, उसका जोड़ा पहन ले पीछा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं बुरा मानना। अब लेकिन फिर आपका डिजाइन? दफा कर, कटे जोगा मेरा डिजाइन, मैंने तो वैसे भी ना उमर सईद के जोड़े की कॉपी चोरी की थी। घर से लग कुछ नहीं होता है। डोली, निडोली। हाँ जी मम्मी जी। हाँ जी। बात सुन, मेरा कल लाचा तैयार कर दे, मेहंदी के ऊपर मैंने लाचा पहनना ऐसा कि मैंने वक्त डाल देना सर, है ना। आप अब्बा जी को बता दो कि मम्मी जी मान गई हैं। नहीं लेकिन ना अब्बा, ये तो फिरासत के लिए घर गई है ना। सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना जी? जी जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बस वो रबिया ने ना भांजी साहब को भी बुला लिया है जी। हाँ जी, क्या करते, पर खैर छोड़ें, आप ये बताएं आप इतना सारा फल क्यों लेकर आए, क्यों तकल्लुफ किया आपने? और नहीं बहन जी, तकल्लुफ किस बात का, एनीवे तो अपनी बच्ची है ना जी। जी मेहरबानी, दैट्स और वैसे भी फैसलाबाद में रोटी छोटी के बाद फलों का बड़ा रिवाज है। अच्छा? हाँ जी, और मैंने खास तौर से फैसलाबाद से मंगाए सारे फल। थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। ये बॉबी किधर रह गया, मैंने इसको फल रखने के लिए भेजा था। अच्छा, वो टोकरियां शोकरियां लाया था ना जो, हाँ। मैंने कहा था उधर रह दे। ओ बॉबी, ओ किधर रह गया यार? जी जी, क्या मुसीबत है बॉबी? तुम बड़ी मुश्किल हाल छोप के आया मैं। ओह, दिल वाले दुल्हनिया दी डीवीडी। मम्मी जी तू सब बहुत ही बिकट हो। खैर, I know that you're in a lot of trouble, but उन टाइम ज़्यादा नहीं रह गया। क्या मतलब? मतलब कि मैंने सारा कुछ पता है, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना। क्या पता? फोन वाली बात। क्या? तुम्हें कैसे पता चली? लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैंने दस करना किए कल मैं दिए। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी आया। ए मामा, मेरी शादी नहीं होने देगा। बॉबी, मैं तुमसे कुछ शेयर कर सकती हूँ? इस शेयर करने वास्ते तो बॉबी पाकिस्तान बैठे आए। ओके, लेट्स अज्यूम के अज्यूम नहीं, सच्ची सच्ची करूँ। ओके, एक लड़की है जो कि एक लड़के को बहुत पसंद करती है, लेकिन किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो सकती। फिर एक दूसरा लड़का आता है जो उसे शादी करना चाहता है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, बहुत हीरो है, आगे चलो। अगर वो पहला लड़का वापस आ जाए तो वो लड़का तो किथे गया ही नहीं होते, इतना ही रोल रहा है। तो फिर लड़की को क्या करना चाहिए? ये तो देखने वास्ते डीवीडी दी थी, दैट्स व्हाट यू वर सपोज्ड टू वॉच इन द फिल्म। ये उसने भिजवाई है? यस। लेकिन बॉबी, इसमें तो लड़की एंड में भाग जाती है। अरे बॉबी बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I just came into wish her luck. मैं क्या, उसकी शादी हो रही है? मेरे नाल ना सही, लेकिन होते रहिए ना। Oh, that's so sweet of you. अच्छा चौधरी साहब, वेट करें, जल्दी से आ जाइए। Sure. याद रखना मैं की ऐसी बोलना जाना। बाय बाय। लेकिन मैं भाग कैसे सकती हूँ? Stupid man. हाँ, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। छोड़ो। मतलब निकले कि माशाल्लाह भाई, तो क्या बता रही है? क्या करें, इंसान बने। भाई अपनी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। अच्छा फिर आज बताओ ना, निकाल वगैरह घर से निकले कि नहीं? निकाल ने मुझे तो वो ओहो, बड़ी तैयारियां हैं भाई। अरे इंसान बनो, ये दोनों माँ बेटी को इंसान बनो की क्या बीमारी लगी हुई है क्या? अच्छा ये बताओ, मेहमान आ गए? आप आम मेहमानों का पूछ रहे हैं या खास मेहमान का? तुमने फजूल बातें कर दी हैं।
जी मैं देखूं? मैं देख पापा पापा माय डार्लिंग आई एम सो हैप्पी टुडे मम्मी जी मैं जानना तो सही कहंदे सी एंड दा मेरे वास्ते प्यार वाकई सच्चा या या एनी ने कोई प्लान दसया तेनु नसने दा मम्मी जी दस दे की आई डोंट वांट टू प्रेशराइज हर जो तू कंफर्टेबल होएगी शी इज विल टेल मी ओके 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 तो तू सब ज्यादा वरी नहीं करना तू सा इस मैन दी नो एस्ट्रो एंजॉय करो जिस तरह बॉबी डी दी मैन दी है ओके बॉब आई हां जी मैं एनंदा चंगी एनंदा चंगी स्टे टोर ड्रंकी ओह गॉड मम्मी जी अम्मी यहाँ खड़े क्या कर रही हैं? वहाँ गेस्ट के पास चल के बैठी ना अरे हो सकता है किसी का इंतजार कर रही हो भांजी साहब नहीं नहीं आ गए हैं भांजी साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बहुत प्यारी लग रही हो थैंक यू मैं शुक्र है मुझे बाहर सिला मिल गई वरना मैं तो दूसरी शादी में घुस रहा था थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नहीं नहीं ये तो अब मेरी अपनी फैमिली की तरह है तरह क्यों अंकल आपकी अपनी फैमिली है अच्छा आइए ना आइए आइए प्लीज आइए आइए कैसा लगा आपको बहुत जबरदस्त है ना बहुत जबरदस्त आई एम सॉरी नानी आपने हमारी खुशियों के लिए कितना कुछ नहीं किया और आज जब पहली बार हमारी बारी आई तो नो मैटर व्हाट पीपल से आई विल ऑलवेज लव यू हेलो आप हमेशा मेरी कन्विंसिंग पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते रहे ना देखा थैंक यू बेटा कम ऑन लेट्स गो इन हाँ मेरा तो बच्चा ठीक है उफ क्या हो गया तुम दोनों को तुम लोग मुझे पागल कर दोगी मेरी मेहंदी है तो मैंने तो नहीं की ना चलो चलो लड़की हो तुम तैयार हो गई हो कि नहीं वो लोग बस आने वाले होंगे अभी ले जाते ना अभी जल्दी जल्दी एनी आर यू ओके या मामा आई एम ओके डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन बेटा ये अच्छी लग रही हो मामा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है हाँ बोलो क्या बात है मामा वो ओ मेरा ख्याल है वो लोग आ गए चलो 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 लेट्स गो देर हो रही है लेट्स गो बहुत अच्छा हो गया स्पेशली जब आई है लड़कियां मेरी अल्फा बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड तो सब इनकी वजह से है सारा कुछ उन्होंने संभाला अरे कैसी बहुत अच्छी लग रही है साइमा जी थैंक यू जी शुक्रिया बहुत साइमा जी ये लाचे बाचे खैरियत है बस जी हीर रांझे को रिवाइज करने की कोशिश कर रही आपकी बहन नहीं ओवर बहन कह दी नहीं नहीं फिर मैं तो बस माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा लग रहा है आपने स्पेशली बनवाया है ये जी बस मैंने कहा पंजाब तो पंजाब ही होता है ना फिर ये पीछे पीछे ओहो बराना तो बड़ा जबरदस्त है बिल्कुल आप अंजुमन की तरह लग रही है नरगिस की तरह हां नरगिस की बेहतर है अंजुमन भी बड़ी अच्छी होती थी लेकिन अब जरा भारी हो गई हां आइए ना चलिए आप आपने लिया वो मैंने आपके लिए खाना भिजवाया था इधर हां मैंने लिया देखिए आज आप कमाल की हसीन लग रही हैं। क्या करती हैं? जाहिर है हसीन होंगी तो हसीन लगूंगी मैं। तो इतनी दूर क्यों खड़ी है? क्या हो गया है? सुने क्या बात है भुप्पो आज बॉबी बड़ा खुश है ब्रदर आई समझ के बॉबी नो अपनी मेहंदी वाली खुशी है अरे वैसे सोने का दिल है बॉबी का सोने नु छड ए दस के मेरे बॉबी दी दुल्हन किधर है दुल्हन आई मीन सारियां कुड़ियां किथे ने अच्छा कुड़ियां बॉबी दी दुल्हन हुन किथे
खर्चा हो गया ताड़ा, ते कुड़ी ले जाएगा मुंडा साड़ा। नहीं समझ आया ना? Let's go, baby. Come on. सबके जाओ, माशाल्लाह होता ला, कितने को प्यारे लग रहे हैं दोनों हैं। वालेकुम सलाम। मैं एक मिनट ठहर जाओ। लड्डू है, बड़ा मजेदार है। चल तू भी खा ले, ये वाला भी। चलो थोड़ा थोड़ा, मैं प्यार बढ़ता ना। 100 रुपया है, 100 रुपया देना। हमारे 500 रुपए का नोट ही दे दिया। लड़कों को भी कीजिएगा। एलेफंट एलेफंट जरा मेरी फोटो तो उतार ना इनके दोनों के साथ। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? चल कोई बात नहीं एनी, चलो कोई बात नहीं। अगर तू थोड़ी देर के लिए ना विक्की के साथ बैठ जा तो जरा को मजा आ जाएगा। हाँ, ऐसे कर रही हूँ मैं। सबके जाऊँ? नहीं, मैं तो ऐसे कर रही थी एनी जी। बस खुश रहना, चल कोई बात नहीं। फिर कनेडा का पासपोर्ट ना मिला, कोई बात नहीं। हमने नहीं जाना कनेडा, इधर ही ठीक है, कराची में ठीक है। नर्वस लग रही हो? नहीं तो। Are you sure? Yeah, I'm sure. Yeah, so it is that. It is natural. Okay, I will be back. Okay. Hello. जी, आपसे एक बात पूछूं? जी जरूर जरूर। वो मैं पूछ रही थी कि आप मरीना खान की बहन जान के बनी हुई है कि कुदरत का कोई इंतकाम है? आप बहुत फनी है। अच्छा, आप भी आ रही हैं? बुला रहे चोई साहब, आती हूँ अभी। ढोलकी था
प्यारे न।